हिट गाने और सुपर डुपर हिट फिल्म आशिकी को आज 30 साल पूरे हो गए हैं और आज हमारे साथ हैं फिल्म के हीरो मिस्टर राहुल राय। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, मजा आ गया। मजा आ गया कि आपने मुझे शो पे बुलाया। सर, हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका, तो फिर फोन क्यों नहीं किया? अरे सर, मतलब बस अभी हम डरते ही रहे कि अब किस बहाने से आपको बुलाए। सर आज कसम से अपने दिन याद आ गए हमें, स्कूल के, कॉलेज के, मतलब स्कूल में जब थे हम तब फिल्म आई थी, कॉलेज जाते जाते तब भी इसके गाने बजते रहे और आज भी इस फिल्म के गाने जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं। कमाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। और कितनी लड़कियों को पटाया आपने मेरे गाने गा गा करके, बिल मेरे नाम पे फाड़ के। बिल्कुल सही कही आपने सर, आपके गानों के चक्कर में, फिल्म के चक्कर में ना कई नॉन डिजर्विंग लड़के भी ना लड़कियां पटा गए। आज भी वही हाल है। राहुल सर का हेयर कट इतना पॉपुलर हुआ था सर, आपको देख के तो सबने कॉपी किया। आपने कहां से वो स्टाइल सोचा था? नीचे नीचे कटिंग कराते जाओ, ऊपर वाले बाल आते जाएंगे और ऐसे करके ऐसे गिरते थे ना मुंह पे। मैं लंदन में था और एक दोस्त थी। अच्छा जी। दोस्त थी? हाँ जी। तो वो हेयर स्टाइलिंग कर रही थी, तो उन्होंने किया था, तो मैं मॉडलिंग में कर रहा था। अच्छा जी। और जब मैं भट्ट साहब से मिला तो उन्होंने कहा यार इसके बाल बड़े अजीब हैं, कपड़े भी बड़े अजीब तरीके से पहनता है। और जब उन्होंने मुझे साइन किया तो मेरा ख्याल से इंडस्ट्री का हर शख्सियत, बड़ा डायरेक्टर वगैरह जा करके उनको बोले ये तो नहीं चल सकता, ये हीरो ये तो दिखता ही नहीं है वैसे। अच्छा। बट भट्ट साहब की जिद थी। और शूटिंग में मेरे को याद है सालों तक यही होता था, क्योंकि जब भी मेरे को शक्ल नीचे करनी पड़ती सारे बाल से ढक जाते थे, तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता था किसी को। पर कमाल है सर, मतलब इतना कॉपी किया लोगों ने वो स्टाइल। अब क्योंकि फिल्म का नाम आशिकी है, फिल्म में भी भर भर के आशिकी थी, इसलिए बिना देर किए मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ जिनके साथ राहुल राय साहब ने ऐसी आशिकी की कि आज तक हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई है। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल अनु अग्रवाल। अनु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि वो सिर्फ उसने गाना गाया और लड़की आ गई। ऐसा लाइफ में होता है क्या? यस यस होता है, होता है। पर ऐसा एक्चुअली फिल्मों में दिखाते हैं लेकिन रियल लाइफ में तो लोग सच्ची में पागल हो गए थे ये फिल्म देख के, इनके गाने सुन के। मैं भी आपके आने से पहले यही बात कर रहा था, उस समय सबको लगता था हमारी गर्लफ्रेंड अनु अग्रवाल ही होगी ऐसी, मतलब। पर एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा मुझे कि जिस मैजिकल जोड़ी को हम जा के सिनेमाघरों में बार बार देखते थे आज वो हमारे बीच मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए मैम, प्लीज विराजमान हो जाइए। ध्यान से देखिए मित्रों, ये वही जोड़ी है जिन्होंने कोर्ट के अंदर मुंह डाल के रोमांस किया था। सबके मन में एक सवाल है कई सालों से, ये कोर्ट के अंदर मुंह क्यों डाला था? आपको डर है आप पकड़े ना जाएं? या ये किसका आइडिया था सर? ये सिर्फ भट्ट साहब का था। अच्छा। और जब उन्होंने ये पोस्टर दिखाया था तो जैसे हर कोई न्यू कमर होता है, तो शक्ल कहाँ है हमको, हमारे को छुपा दी क्या, मतलब। अच्छा। पिक्चर लोग देखने जाएंगे, लेकिन उनकी थॉट थी नहीं मेरे को मिस्ट्री क्रिएट करना है कि कौन है। अच्छा। तब मेरे को दिल में डर लगता था कि वाकई में मेरे बाल मेरे खिलाफ चले जाएंगे। अच्छा। जिस टाइप का मैं हूँ कि मतलब छुपा रहे हैं ऑलरेडी पोस्टर में। आपको पता है आपके चक्कर में, ये जो कोर्ट वाले चक्कर में, अर्चना जी का तब अफेयर चल रहा था परमीत सर के साथ। इतना तक तो सच आ गया, अब झूठ बोल। नहीं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे को भी कोर्ट वाला पोज करना है। तो वो जब आए ना अंदर तो अंदर डाल के बोलती 100 रुपया निकाल, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तो वो बेचारे उस समय 100 रुपया नहीं दे पाए, उनको शादी करनी पड़ गई। आज तक भरपाई कर रहा है। काफी मिस्ट्रीज हैं इस तरफ भी। पर राहुल सर, अनु मैम, जब आपको ये फिल्म मिली थी आशिकी, उस समय आपके मन में कभी ख्याल आया था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी कि 30 साल बाद भी आपको कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिले? सॉरी, अपनी प्रमोशन मैं करता रहता हूँ बीच में। सबसे पहले कपिल, मैं ये कहना चाहूंगा कि 30 साल तो हो गए हैं इंडस्ट्री में रहते हुए जी, बीच में मैं 9 साल नहीं था वगैरह, लेकिन जब मैं वापस आया जी, जितने भी मेरे चहीते लोग हैं कह रहे थे सर कपिल शर्मा के शो में चले जाइए, लोग आपको देखेंगे ज्यादा कि अब क्या कर रहे हैं वगैरह। और मैं तेरे को कई जगह पकड़ा और मैंने पूछा कब बुला रहा है, कब बुला रहा है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सर, लव यू सर, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसे शुभ अवसर पे हम लोग आए हैं यहाँ पे।
जब फिल्म की थी उन दिनों में मुझे याद है 6 दिन का हाउसफुल हर सिनेमा हॉल में था। तो रिलीज वाले दिन में मेट्रो सिनेमा में 12 बजे की शो लगी हुई थी। अच्छा जी। मुकेश भट्ट मेरे को गाड़ी में लेके गए थे क्योंकि उन दिनों मैं पीजी में रहता था। अच्छा जी। तो मैं चला गया यहाँ पे, थिएटर के बाहर कम से कम 300-400 लोग थे शो के घुसने के लिए अंदर। अच्छा जी। गाड़ी से मैं बाहर निकला तो पूरी की पूरी जनता रिकॉग्नाइज्ड हुआ आई वाज, भागने लगे। और उन दिनों में कोई बाउंसर बाउंसर वगैरह कोई नहीं होता था। अच्छा जी। वो सब कोई नाटक नहीं था। अच्छा। तो मुकेश जी मेरे को लेके जाते थे जिसके प्यार के भूखे हो आप उन्हीं को धक्का मार करके दूर कर रहे हो बाउंसर से, मतलब क्या हुआ? बहुत, बहुत प्यारी बात है वाकई। तो किस तरह ये लोग मेरे को भीड़ के थ्रू लेके जा करके जनरल मैनेजर के ऑफिस में मेरे को बंद करके रख दिया। सब लोगों को जल्दी से सीट पे बिठाने के लिए उन्होंने पिक्चर 10 मिनट पहले चालू कर दी। अच्छा। पहली बार मैंने देखा कि जनता जो है स्क्रीन पे कॉइन्स फेंक रहे, इतने सारे कॉइन्स फेंक रहे। मेरा ख्याल से 1-2 आर्टिस्ट के काफी पैसे निकल जाते उसी शो में। इट वॉज दैट मच कॉइन्स दे वर स्पेंडिंग। ये प्यार था। तनु मैं ना, आपके लिए भी फोन आते होंगे उस समय, तो चिट्ठियां बड़ी लिखते होंगे लोग। मैं उस समय जो है पेइंग गेस्ट में रह रही थी जुहू में। उस रात को मैं सोई हूँ, सो के सुबह उठी और मुझे अब वो जो सुबह है वो सुबह ऐसी वो छाप उसने मारी है मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि उस दिन मैं उठी तो मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्डिंग में से लोग जो है बाहर, अनु मुझे ध्यान ही नहीं आए। और फिर उसके बाद में किसी तरीके से मैं आंखें बंद करके वहीं लेट गई और मुझे ध्यान है कि कितने घंटे बाद जब मैंने आंखें खोली तो लोग वहीं खड़े हुए थे। वाह क्या बात। किसी भी तरीके से खैर मैं उठी, साइड में निकल के मैं किसी तरीके से घर से निकली कि भाई स्विमिंग के लिए मैं चली जाती हूँ। मैं नीचे निकली, दोनों तरफ जो लेन थी वहाँ पे लड़के खड़े हुए हैं। अच्छा। और इसे राहुल ने लिखा था अनु आई लव यू, एक सीन था जहाँ पे इसने पूरी दीवार पे लिखा अनु आई लव यू आई लव यू। दोनों तरफ लड़कों ने दीवार पे लिखा है अनु आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं मुंह नीचे करके बड़ी कॉन्फिडेंटली चलना शुरू किया। मैंने मैं गई हूँ तो सामने ऑटो आया, मैं ऑटो में बैठी, उसने आशिकी गाने चला रखे हैं और वो जो है ऑटो, उसने जो है स्टार्ट किया ऑटो और यूं देख रहा है मेरी तरफ। मैंने कहा यार ये तो ऑटो जो है कहीं ना कहीं हिट कर देगा। मैंने कहा आप सीधा देखिए भाई आप चला रहे, आप आशिकी की अनु अग्रवाल हैं। अरे सर ये मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, फिल्म आपको कैसे मिली? मतलब जैसे आप तो मॉडलिंग करती थी पहले, या राहुल सर आप भी मॉडलिंग करते थे, भट्ट साहब से कैसे मुलाकात हुई? मेरी मदर एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी तो उनके बारे में लिखा गया था। तो भट्ट साहब क्या है, उन दिनों में ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढते थे बिकॉज उनकी सारी फिल्में आधारित होती थी ऑन रियल कैरेक्टर्स। तो वो मिले मेरे मदर से और जैसे हर माँ होती हैं प्राउडली, ये मेरे बच्चे हैं ये, तो वो फोटोज़ देख रहे थे तो मेरे मॉडलिंग के, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि ये फिल्म करेगा। तो मेरी माँ ने कहा मैं उससे बात करवा देती हूँ बिकॉज इज हेयर इन बॉम्बे कुछ मॉडलिंग के चक्कर में। अच्छा जी। तो जब मेरी मदर आई, मैं चर्च गेट में रह रहा था। अच्छा जी। तो वो आई तो कहने लगा महेश भट्ट वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं राहुल हूँ, मम्मा ने बोला था। तो इन्होंने बोला जुहू आने के लिए। तो फिर उनके घर पर आया तो सोनी जी ने दरवाज़ा खोला था। अच्छा जी। एंड भट्ट साहब से मिला और पहले 5 मिनट में वो जो टिपिकल भट्ट साहब, तू मेरी पिक्चर कर रहा है? मैं कहा हाँ सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन सी फिल्म है क्या, हाँ बस कर रहा हूँ मैं उनकी फिल्म। अरनु मैम आपकी कैसे मुलाकात हुई थी भट्ट साहब से? मेरी कहानी इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा जी। बट अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने मुझे ढूंढ लिया और पकड़ लिया और फिल्म करवा दी। क्या हुआ था, मेरी महेश भट्ट से मुलाकात हुई थी आशिकी से 6 महीने पहले। अच्छा जी।
तो एक मेरे फ्रेंड थे अनिल गुप्ता, उनका एक लंच था, तो मैं लंच पे गई थी और मैंने जो है खाना लेके मैं बैठ गई, खाना खाना मैंने शुरू कर दिया. एंड इतने में गाय वॉक, मतलब एक लड़के अंदर आए, आदमी आया, और वो कौन थे, ये महेश भट्ट. और उन्हें मेरे को सिर्फ वहाँ देख रहे थे बैठ के, मुझे नहीं पता, बोले कि यू आर अ स्टार. तो मैंने जो है खाते खाते कहा कि इन द गैलेक्सी. फिर बोले यू शुड एक्ट इन मूवीज. तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो उसके बाद मैंने सोचा बात ख़त्म हो गई. पेरिस में मेरा मॉडलिंग का जॉब आ गया. उसके बाद मैं जो बम्बई आई, मैंने कहा भाई ये प्लेइंग गेस्ट मेरा बंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई यहाँ से मैं बैग वैग निकाल के बंद करूँ यहाँ सारा. आई वॉज क्लोजिंग एवरी थिंग. उसी दिन दोपहर को महेश भट्ट का फोन आ गया. अच्छा. फोन मैंने उठाया, इमीडिएटली महेश भट्ट, ही डजंट वेस्ट हिज टाइम, हेलो हाय भी नहीं, हेलो. मैंने कहा हेलो. कहते हैं यू रिमेंबर आई मेट यू 6 months ago. मैंने कहा हाँ शायद. एंड ही सेड कि आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट. मैंने कहा कि भाई अच्छा, आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज. तो कहते हैं कि इफ यू डोंट डू दिस फिल्म तो मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा. वाह. क्योंकि ये लड़की सिर्फ तुम ही प्ले कर सकती हो. फिर फाइनली मैंने जाके वो स्क्रिप्ट सुनी, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि स्क्रिप्ट एंड हो गई है, मैं मना नहीं कर पा रही हूँ. मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बताती हूँ. मैंने फिर 10 दिन के अंदर मेरे बर्थडे 11 जनवरी को जाके पिक्चर साइन कर ली. वाह. तो देख लो, उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म कैसी एक कल्ट फिल्म बन जाएगी. yeah. और सालों तक लोग इसे याद रखेंगे. मुझे याद है जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो आशिकी के बाद हर लड़का ना लंबे बाल रख के गिटार लेके घूमने लगा था. ये अपना दिनेश है ना, ये जो रेड कलर की गिटार, इसने गिटार तभी बजानी शुरू की, तो ये इस चक्कर में फेल हो गया. उसके बाद वही लंबे बाल इसके बाप ने पकड़ के जो घुमाए ना, उसको दोनों तबले सुझाए इसके डैडी ने. राहुल राय सिर्फ आशिकी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई भी करते थे. हाँ. अच्छा सर, अनु जी का नाम भी फिल्म में अनु था, आपका भी राहुल ही था, तो ये इंटेंशनली रखा था कि आलसी थे भट्ट साहब? ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत फनी किस्सा है. गाना तो शूट कर लिया. अच्छा. मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं जी, तो मेरे को तो कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता था कि मैं कैरेक्टर क्या है. अच्छा. तो गाना जैसे खत्म कर लिया, तो शॉर्ट था कि एक बंदा आता है रेस्टोरेंट का, भाई तू पगार ले ले दिन का और साइन कर ले वाउचर. किसी ने बोला ही नहीं, तो मैंने राहुल रॉय लिख दिया उधर. करके उन्होंने शॉर्ट कैन कर लिया. अब उस टाइम तो डिजिटल था नहीं फिल्म. हाँ. फिल्म का मतलब बहुत महंगा है. हाँ. नहीं, अभी नहीं रीशूट हो सकता, तो नाम उन्होंने राहुल रख दिया. और उसके बाद जितने भी फिल्में मैं कर रहा था, बिकॉज फिल्म हिट हो गई, तो इट वाज राहुल ओनली. वाह, क्या बात है. सो और भी बातें करेंगे हम राहुल सर से और अनु जी से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले एक बेहतरीन एक्टर को. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एक्टर डायरेक्टर मिस्टर दीपक तिजोरी. सर, आशिकी के 30 साल पूरे हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक. लगता है हाँ, सफेदी आ गई. एक्चुअली सर, जब आपको फिल्मों में देखते थे ना, सबको लगता था ऐसा हमारा भी दोस्त होना चाहिए. बस यही एक प्रॉब्लम होता था हमेशा. मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ उन दिनों में. अच्छा. हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा दोस्त बनाते थे. पर सर, आपके कभी मन में नहीं आया यार मैं भी हैंडसम हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, आपके मन में नहीं आया कि मेरे को भी हीरोइन मिलनी चाहिए? भट्ट साहब से कहा नहीं आपने? सब किया हम लोगों. अच्छा. ने उन दिनों मेरे साथ में और 3-4 और भी थे. अच्छा. जो भट्ट साहब की सेवा में लगे हुए थे उन दिनों में. अच्छा. और हम लोग देख के बोलते थे भट्ट साहब इसको कैसे हीरो हो गया. इसको देखो तो सिर्फ ना हिंदी बराबर बोलता है, ना हीरो की कुछ भी बात है. भट्ट साहब भी ऐसी गंदी गेम खेलते थे, हम लोगों को बिठा के बोलते थे कि अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ, अब तुम चार लोग बैठे हो, तुम चारों स्ट्रगलर हो, डिसाइड करो हीरो कौन बनेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. अच्छा. और हम लोग सब आस लगाए बैठे हैं कि अभी अगली फिल्म तो हमारे को चांस मिल ही जाएगा. लेकिन फिर बाद में चांस मिला ही नहीं, मालूम पड़ा ये हीरो बन गया. फिर मैं वहां से निकल गया. मैं बोला भाई अब तो इसका नंबर लग गया. बट एक चीज बताऊंगा कपिल जी. मुझे एक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है. भट्ट साहब, दीपक और मुझे, और उनका उस टाइम पे स्टाइल होता था दोनों के कंधों पे हाथ रख करके यूं करके, और दीपक को कहता है देख अब ये हीरो है, तू उसका दोस्त है.
be a genuine friend. उस सेकंड के बाद आज तक he's like that with me. क्या बात? इतना मैं कहूँगा. And the best time. और जो best time मेरा था. जी. वो ऊटी का शेड्यूल था. हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे. अच्छा कंट्रोल बजट हीरो को भी कमरा शेयर करना पड़ रहा है. अरे. वाह. क्यों? नहीं नहीं मैं ठीक. कौन सा हीरो अपने कमरे में सोता है? नहीं नहीं मैं. अच्छी बात है. और एक और बात बताता हूँ कि अगर मुकेश जी की फिल्म हो ना तो कमरा मिल जाए हीरो को तो भी बहुत बड़ी बात. अगर आप 90s के इश्क में जाओ आप बहुत सारे लोग वो उस दौर में से निकले हो उस समय दोस्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था एक्चुअली. दोस्ती आके बताता था कि वो अपने मन से भाभी मना लेते थे ना वो कि भाभी 9 बजे कॉलेज जाती है 2 बजे ट्यूशन जाती है. कई तो लड़की गली में जाके सिटी में जाते थे. हमारे दास दादा ना हमारे फोटोग्राफर इन्होंने तो स्पेशली इंटेंशनली अपने दांतों में गैप रखवाया ताकि मेरी सिटी तेज बजे. ये हमारा जो पांडे है ड्रम पे इसका तो कोड वर्ड था क्या? ये अपनी गर्लफ्रेंड की गली में जाकर ना कुत्ते के जैसे भौंकता था. और वो फिर ना वो रोटी डालने के बहाने आती थी. अच्छा. एक दिन ये हो गया लेट. हाँ. तो वो तो सो गई. हाँ. उसका डैडी आ गया. पहली बार लोगों ने कुत्ते को फटे कपड़ों में 2 पैरों पे चलते देखा है. आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के. अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो कुछ चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं. जी भाई साहब. हाय एवरीवन. हाँ जी. हाय एवरीवन. हाय. सर मेरा नाम मुकेश कुमार है. मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ. मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है. कानपुर से आए आप. आपका क्या किस्सा है? हाँ सर मुझे कभी कभी ये लगता है कि दो प्यार करने वालों के संदेश को पहुंचाने के चक्कर में किसी तीसरे की जबरदस्त धुलाई हो जाती है. ऐसा लगता है वो ये यही आपको है. लगता है कि आपके साथ हुआ है इसी के साथ. सर अपना दर्द आपसे ही बयां कर सकते हैं. तो कब हुआ था ये आपके साथ? सर मैं छोटा था काफी. अच्छा. और मेरे आप छोटे भी थे. अच्छा जी. फिर मेरे कजिन ब्रदर वो बड़े थे काफी बड़े थे मतलब उनका टाइम था प्यार करने का. अच्छा, हमारा टाइम था मार खाने का. अच्छा. वो टाइम पे तो वो उनको मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार हुआ था और वो लेटर लिख के दिया करते थे आपको फुसला के मुझको ये ले तेरे को कंपट दूंगा ये. क्या दोगे? कंपट. वो क्या होता है? लाइक एज टॉफी. टॉफी टॉफी की तरह. उसमें सर रैपर रैपर नहीं होता था. अच्छा. मेड इन होम. नंगी टॉफी. मेड एट होम. तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने लेटर दिया मैं घर पे गया देने के लिए और वो लड़की कहीं गई हुई थी. अच्छा. बाजार या स्कूल कहीं भी उसका भाई था. मुझे ये तब समझ नहीं थी सर कि वो लेटर है क्या है. अच्छा. मैंने उसको भाई को खेलने की जल्दी हो रही थी भाई ये ले बहन आई तुम्हारी उसको दे देना मैं खेलने जा रहा हूँ. तो उसने लेटर देखा तो समझ गया ये वो है. उसने कुछ नहीं बोला भाई रुक रुक. तब उसका टीवी चल रहा था मैं ऐसे खड़ा हो गया उसने दरवाजा बंद कर लिया. जो भी पढ़ा उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता. हाँ. लेकिन जो उसने हमारी धुलाई की अंदर ही अंदर कुछ नहीं आज भी याद है. उसने फिर मुझे घर से बाहर भेज दिया. मैंने किसी को नहीं बताया सीधे ग्राउंड पहुंच गया खेलने के लिए. ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं है. सर हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर से. उसके बाद जो खबर थी वो घर पे पहुंचा दी. घर में मैं सबसे छोटा था. उसके बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा तो जो बची कुची कसर थी वो घर वालों ने खुराक में पूरी कर दी. अच्छा. आपकी शादी हो गई है? नहीं सर अभी नहीं. लगे रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? जी. हेलो. हेलो. नमस्ते कपिल सर. नमस्ते. गेस्ट मैम एवरीबॉडी सबको नमस्ते. क्या नाम है आपका? मृदुला. मृदुला कहाँ से हैं आप? मुंबई.
सो मेरे साथ ये हो गया कि मैं किसी और की मदद करने गई थी और मैं ही फंस गई उसमें. अच्छा. सो बेसिकली हुआ ये था कि कॉलेज में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसको एक लड़का बहुत पसंद था. वो हमारी क्लास में ही था. अच्छा. और उसने बहुत पैसे जमा करके ऐसे 5-6 गिफ्ट उसके बर्थडे के लिए खरीदे. 2 पेज लंबा उसने लेटर लिखा उस लड़के के लिए. अच्छा जी. उसके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो वो बोली कि तू जाके उस लड़के को वो दे देना. और मैंने किया, मैंने वो सब लिया. मैं फाइनली उस लड़के के घर पे गई और मैंने उसे दिया एंड उसने पढ़ा, गिफ्ट वगैरह देखा, उसको ऐसे साइड में रख दिया. बोले कि मैंने आपकी फ्रेंड से दोस्ती आपके लिए की थी, मैं तो आपको पसंद करता हूँ. और वो नीज पे बैठ गया कि प्लीज़ आप मेरा प्रपोजल सिलेक्ट कर लीजिए, प्लीज़ मुझे आप बहुत पसंद है. तो फिर मैंने उसे मना कर दिया, मतलब ऑब्वियसली. और वो मुझे लड़का, ये लड़कियों में हो सकता है, लड़का होता ना अगर पहले पहले नो, पर लड़का होता झट से बोल देता हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब यही था, मैं ही तू. ये लड़कियाँ, ये ईमानदारी तो है. नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से. अच्छा, पसंद क्यों नहीं था, क्या क्या हुआ था? वो ऐसे ही था, ऐसे ही था. तो सहेली को समझाया नहीं आपने? मैंने समझाया, बट वो प्यार में पागल थी ना, तो नहीं हो पाया. तो सहेली स्टिल योर सहेली? लिटिल बिट, शी मतलब नॉट एज, वो पहले बहुत अच्छी फ्रेंड थी, नाउ शी डजंट टॉक टू मी मच. और वो लड़के का क्या हुआ? आई डोंट, मुझे नहीं पता. मैं क्यों, वो सोच रहा होगा ना एक के चक्कर में वो भी गई है. पर हाँ, ऐसा होता है. शुक्रिया आप मृदुला अपना किस्सा शेयर करने के लिए. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम. मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, मैं MP ग्वालियर से आई हूँ. वाह जी अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है. आपके इस सॉन्ग जो है आज की फिल्म का, उसके कारण मेरे चाचा चाची की लाइफ सेटल हो गई. अच्छा अच्छा, कैसे कैसे? मेरे चाचा जी जिनको किसी कारणवश या पता नहीं उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मतलब वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे. पर मेरी जो फ्रेंड है उनको चाचा जी वो मतलब वो पसंद थे. तो मैंने चाचा जी को बोला कि आपका ये वाली फिल्म का जो सॉन्ग है वो उनको सुनाए. अच्छा. तो आपका काम बन जाएगा. तो चाचा जी ने जैसे ही ये वाला गाना उनको सुनाया तो उनकी लाइफ सेटल हो गई. तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इनकी उस सॉन्ग के कारण जो मेरे चाचा जी की जो सोच थी कभी शादी नहीं करूँगा वो सोच उस सॉन्ग को. तो ये चाचा जी को आपने रिकॉर्डेड सुनाया होगा, खुद तो नहीं सुनाया होगा? नहीं नहीं, मैं खुद सुनाती फिर नहीं मानते चाचा जी. आप अकेले आई ग्वालियर से? मेरे ये 2 बच्चे आए हैं साथ में. आपके बच्चे? अरे लगता नहीं आपके बच्चे इतने बड़े होंगे. हाँ जी सर, क्यों नहीं, ऐसा लग रहा है आपकी सिस्टर है और वो भाई है आपका. थैंक यू सर ये सुनने के लिए. आपके मुंह से मेरे कब से कान तरस रहे थे. मुझे सभी लोग बोलते थे पर मुझे आपके शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा. शुक्रिया मैम. थैंक यू. थैंक यू सर. First time me frock me, how looking nice, huh? Nice. बहुत खूबसूरत. Hi. Hi. Hi, celebrity. Yeah. Hi. How are you? You are wearing my dress. Yeah, mummy. Yeah. Yes. How are you? कैसे आप लोग, ठीक हैं? मैं very nice. Me California. तू दाना सुपारा से? मैं बोल रही मैं कली फोन लिया, ये बोल रही कली फोन लिया. हाय वेरी नाइस. आशी की पिक्चर को 30 साल हो गए, एक बार जोर ललकारी हो गए. अगर आपकी पिक्चर को 29 साल भी होते ना तो भी हम इतनी ताली बजाते आपके लिए. तेरे को पता है कप्पू, कल बैंड स्टैंड पे मैंने आशी की देखी. बैंड स्टैंड पे कहाँ लगी थी आशी की? पत्थरों के पीछे. हम लोग को लाइव देखने का बहुत मजा आता है. कभी कभी तो ऐसे भी रहते हैं 2 घंटे की पिक्चर में एक ही सीन चल रहा रहता है.
लेकिन क्या है, आपकी आशिकी और ये आशिकी में बहुत फर्क है. क्या क्या? आपकी आशिकी में तालियां पड़ती है, आशिकी में गालियां पड़ती है. माय गॉड. आपको मालूम पुलिस आते हैं ना उधर डंडा लेके. हाँ, कपल लोग को हुड़ हुड़ करते हैं उधर. हाँ, और जो कपल में जो लड़का रहता है वो ज्यादा नाटक करता है ना, उसकी तो पूरी आशिकी सुझा देते पुलिस वाले. आपको मालूम है, अगर आपकी आशिकी पिक्चर नहीं होती ना, तो मेरी बुआ को लड़का ही नहीं होता. क्या मतलब? इतनी रोमांटिक फिल्म थी. रोमांटिक नहीं थी वो, क्या है, सब घर वाले पिक्चर देखने के लिए गए थे, बुआ अकेली थी घर पे. तो सच्ची में फिर बाद में फूफा आए उधर, ऐसा कोई गाना भी ना गाए. कुछ भी बोले जा रही, फालतू की बातें. कुछ भी नहीं बोल रही मैं इससे, ये लोग हंसते हैं, मैं क्या करूं, मैं इधर बात करती आके. हाय, वेरी नाइस यू अमिताभ बच्चन, यू लुक है. आपको मालूम मेरे जो जो फूफा है ना, वो आपके बहुत बड़े फैन है. okay. और उनके 11 बच्चे ये क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब उन्होंने ऐसा राहुल रॉय कट रखा था, बुआ दिखती नहीं थी उनको. हाय मैम, हाउ यू, वेरी नाइस. हाँ, आपको मालूम है आपका बहुत अच्छा हुआ आपने अनु मलिक से शादी नहीं की. oh God. क्यों? दोनों अनु मलिक हो जाते ना कंफ्यूज. हाय, आई सी यू मैन पिक्चर, यू कम नो, वेरी नाइस. एक साल का आप कितना पैसा लेते हैं? क्या कितना लेते हैं? तिजोरी का रेंट पूछ रही हूँ मैं. मेरी माँ ने बोला था कैश विच तिजोरी में रखने का. ये सपना कुछ भी बोले जा रही है तू. पता है तू कितने सीनियर एक्टर है? सीनियर क्या, उन्होंने कहा महेश भट्ट को गोद में दूध पिलाए लेके इतने सीनियर. सर, आई नाइट में आई मे पिक्चर, आपका फोटो बनाया मैं. अच्छा. हाँ, वो मैं लेकर आई इनके सम्मान में. प्लीज डोंट माइंड. किया तूने? हाँ, स्केचिंग किया. प्लीज डोंट माइंड, सब थोड़ा ऐसा रहेंगे. कहाँ है इसमें दीपक सर? ये देख दीपक तिजोरी. क्रिएटिविटी नाम की भी कोई चीज रहती है. ऐसे नहीं रहता. मैं आपका भी फोटो बनाई है, ये देखो. इसमें कहाँ है राहुल सर? वो बाल कटाने गए ना वो. सर, आप इतना तिजोरी है, 99 लाख रुपए दो ना मेरे को. 99 लाख? तू तो पहले 1 करोड़ मांगती थी. अरे पते के 1 करोड़ सुन के ना बहुत ज्यादा लगता है, कोई देता नहीं. एक साल हो गया रे. अभी क्या मेरे को लगा 99 लाख बोलेगी तो मैं. अच्छा, पैसे से मेरे को याद आया सर, यू नो मेरा दोस्त है नाला सुपर, माय फ्रेंड, उसको पैसा चाहिए सर. आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं. उसका नाम है पंकज गुल्लक. पंकज गुल्लक? ये कैसा नाम हुआ? अच्छा, दीपक तिजोरी हो सकता है, पंकज गुल्लक नहीं हो सकता क्या? खैर सर, आई स्टे नाला सुपारा. हमारे नाला सुपारा में एक लड़का है सर, वो अपने आप को बोलते मैं राहुल रॉय हूँ. अच्छा. हाँ, वो मेरे को पीछे पड़ा रहता है, मेरे घूमता रहता है, इधर बाहर भी आयले. गुड गॉड. हेलो राहुल सर. अरे अबे उधर नहीं है, इधर है वो. हेलो राहुल सर. अबे वो कप्पू है, क्या कर रहे ले? हेलो राहुल सर. अरे वो दीपक तिजोरी, एक तो इतना बड़ा बाल करते ना, कुछ दिखाई नहीं देते. एक मिनट रुक. अभी देख किधर है. जब से आपका हेयर स्टाइल रखे ना, सुबह से 6 बार खंबे पे टकरे गए इधर इधर जाके. सपना, प्यार अंधा होता है और मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका हूँ. राहुल सर, आपने अपनी फिल्म में इतनी आशिकी नहीं की होगी जितनी आशिकी मैंने इसके साथ की है. और अगर यहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा आशिकी की है तो वो राहुल राय ने, मैंने की है. एक मिनट, पहले तो ये बताइए आवाज किसकी निकाल. तू कहाँ से राहुल राय लगता है? मैं नाला सुपर अगर राहुल राय है ना. एले एले सपना, सपना मत बोलो,
कि मुझे देखकर भट्ट साहब ने आशिकी बनाई थी। तेरे को देख के उन्होंने आशिकी नहीं, तेरे को देख के फुटपाथ बनाई थी उन्होंने। बड़े इधर। हाँ, मुझे देखकर फुटपाथ बनाई थी और इसे देखकर सड़क बनाई थी। और बागड़ बिल्ले जैसी औरत, तुझे मैंने दिल से चाहा, दिल से प्यार किया, दिल से शॉपिंग करवाई, मर्द होते हुए भी औरत समझा। अरे काहे की शॉपिंग, रात रात को लेके जाता था शॉपिंग कराने, मालूम है? हाँ, वो दुकान का ताला तोड़ता था, बोलता 5 मिनट है, जो लेना है ले ले। और भी बताइए अनु जी, ऐसी औरतें हैं दिल में घुमाने लायक? देख अभी ज्यादा झगड़ने का नहीं, गेस्ट लोग आए, तू राहुल रॉय बन के आए ना, आप मुंबई नहीं आ सकती। आप मुंबई के आप नाला सोपारा तक नहीं आ सकती। तेरी आवाज सुन ली ना इंडियन आइडल के जजेस ने, तो रिक्शा शेयरिंग में करके इधर आके तेरे को पीटेंगे वो लोग। सपना, मैं तुझे छोड़ूंगा तभी मुकेश पकड़ेगा ना, एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं इतनी गिटार बजाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। गिटार बजाने से अगर कोई बड़ा आदमी बनता तो ये इधर थोड़ी बैठे रहते। ये सब लोग इसके दोस्त है, सब दोस्ती कोटे में आए ले इधर। अभी आप लोग को बता, हमारा शो था दुबई में, हाँ, इसको ले जाने की क्या जरूरत थी उधर? ये गिटार नहीं बजाता तो ये जोक नहीं बोलता क्या? ए, सपना, कैसी बातें कर रही है, सामने मम्मी बैठी हुई है। मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलना, मम्मी जो रहती ना माँ भगवान समान होती है। हाँ, वैसे जरूरत तो आपकी भी नहीं थी, ये भी आई थी। ठीक है सपना, मैं जा रहा हूँ फिर। फुटले खाली फुकड़ा के मूड खराब के लिए इसने सर। सर, लेकिन मैं आपका मूड अच्छा करेगी, आई हैव पार्लर। हमारे पास मैम अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो आपकी पिक्चर रहती है जुनून, तो हमारे पास जुनून मसाज है। ये कौन सा मसाज होता है? ये मसाज हम जून के महीने में करते हैं। इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते, फिर बाहर जो भेड़ बकरी रहती है ना, वो भेड़ को उठाते और कस्टमर के ऊपर ऐसे रख के ऐसा रगड़ते, भेड़ को रगड़ते रहते हैं, कब तक रगड़ेगी? जब तक उसका ऊन नहीं निकल जाता। ऐसा जुनून। अच्छा, फिर दूसरा आपका एक पिक्चर रहती धर्मा कर्मा, है ना? धर्मा कर्मा मसाज है। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करते हैं, वो मसाज मैं नहीं करती है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को ऐसे तेल लगाते हैं और उसकी माँ को फोन करती है, फिर उसकी माँ आती है तो मैं तेल लेती है, उसकी माँ को देती है, मैं कहती है माँ ये तेल धर्मा और इसकी मसाज कर्मा। ऐसे रहते हैं। फिर हमारे पास दीपक तिजोरी मसाज है। इसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को हम लोग इधर नहीं बुलाते, हम कस्टमर के घर पे जाते हैं। अच्छा। और फिर उसके दीपक में जो ऐसा तेल रहता है ना, वो निकालते, उसका मस्त मसाज करते, वो जैसे सो जाता है उसका तिजोरी लेके भाग जाते हैं। ऐसे रहते हैं। फिर हमारे पास है, आपका पिक्चर 90s में आया था ना, हमारे पास 90s मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें हाँ, कस्टमर को मैं तेल लगाती है, फिर मैं 90 का मारती है। ये फिर मसाज करती है? हाँ, फिर मसाज करती है। नहीं, फिर आशिकी करती है मैं। अच्छा, मेरे को जाने का मैम, आई हैव टू गो। वो आलिया है ना, वो पिछले बार आई थी, अपना भट्ट छोड़ गई इधर। तो महेश भट्ट जी का फोन आया, बोले झट से भट्ट वापस करो मेरे को। ऐसा रहता है, क्योंकि क्या है, मैं नाला सुपारा में अपने वट के बिना रह सकती है, लेकिन आलिया उसके भट्ट के बिना नहीं रह सकती। तो मैं जाती है, आई हैव टू गो, बाय। कुछ चीजें हम लोग लाइफ में करते हैं एज एन एक्टर, तब रियलाइज नहीं करते हैं कि हम लोग जब किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्या उसका रिजल्ट आएगा। इसकी पहली फिल्म थी जिसमें मेरे पास एक डायरेक्टर आया था, जो एक असिस्टेंट था खिलाड़ी के टाइम पे, वो पहली फिल्म बना रहा था और इसको हीरो लिया था और मेरे पास आया था कोई एक रोल कराने के लिए। तो ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑलवेज वेरी सिलेक्टिव विथ डूइंग माई वर्क। मैं बोला इसको, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। बट टुडे व्हेन आई सी हिम परफॉर्मिंग विथ हिम एंड द होल थिंग व्हाट ही इज डन इन हिज लाइफ, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू नो। प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल वर्क, लव इट, लव इट, सुपर भाई। Thank you.
अच्छा अगर आशिकी की बात करें तो उस समय जो आपने पैंट्स पहनी थी सर, बैगी पैंट्स भी जो खुली खुली, वो कितना मजा आता था वो पहन के सर आपको? वो आजकल तो तंग तंग पैंटें आ गई हैं, आपको किस चीज में मजा आता था ज्यादा, वो बैगी पैंट्स पहन के टाइट वाली? आजकल बैगी पहनो, आजादी से चलो, कोई टेंशन नहीं है एक्चुअली। ये सब टाइट वाइट पहन करके क्या दिखा रहे हो आप? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो पहनना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। अब तो क्या है सब चीजें थोड़ा यहाँ से सर एक इंच कम कर दें, वैसे बॉटम भी एकदम टाइट पहन ले, पता नहीं चलता लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है, चूड़ीदार पहन के घूम रहे हैं। और बैगी पैंट का एक फायदा बड़ा था, उसके अंदर जो वो धारियों वाले कच्चे नहीं होते बड़े वाले, वो भी पहन सकते थे ना। अब क्या पैंटें आ गई बिल्कुल एकदम स्किन टाइट, उस चक्कर में अंडरवेयर भी छोटे पहनने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है आप पैंट उतारते हो ना, साथ में कच्चा भी उतर जाता है। आपको रियलाइज नहीं होता कि ये भी हो चुका है, एकदम से जब पैंट उतारते हो पता है अंगूठे में कच्चा लटक रहा होता है, पता चलता है कि ये भी उतर गया। राहुल सर अगर आपकी जुनून फिल्म की बात करूं, क्या करें, कमाल की फिल्म थी जुनून, जिसमें रात को शेर बन जाते हैं। हाँ। राहुल सर कहीं यही रीजन तो नहीं आपके सिंगल रहने का कि लड़कियों को लगता होगा ये 12 बजे शेर बन जाता है? इस बात को राज ही रहने देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं कर रहा था वो सब, बाकी सब तो डर जाते थे, ये पूजा संजय दत्त अच्छा ये सब कहते थे इतना क्यूट शेर हमने देखा नहीं है, इसको तो घर ले चलो पाल के रखो, ऐसे कौन सा डराने वाला है, ये सब हंसते थे बड़े। हमारे मन में बैठ गया था कि ऐसा होता होगा कईयों के साथ, पूर्णमासी की रात को कोई शेर बनता होगा। वो फिर मेरे जो याद है एक सीन जिसमें वो गाना नहीं चल रहा था, प्रेम 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 ओ मेरी दिल रुबा, उसमें आप फिर 12 बज जाते हैं, 5 मिनट रहने, आधा शेर बाहर आ चुका था आपका। उसके बाद ये बाथरूम में जाते थे तो एक लड़की ने शॉर्ट्स कट की, ये बन चुके अंदर शेर बाथरूम के अंदर, और लड़की को पता नहीं है, तो ये आवाज निकाला शेर वाली, तो लड़की को लगती जानबूझ के आवाज निकाली, टाइगर टाइगर, अरे टाइगर। उसके बाद में टाइगर आता है स्कर्ट से पकड़ के अंदर ले जाता है। क्या कमाल का किरदार किया था आपने सर। जैसे बड़ी सारी अफवाहें उड़ती हैं सब फिल्म सेलिब्रिटीज के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में, आपकी आशिकी को लेकर बड़ी सारी अफवाहें थी, तो कुछ अफवाहें हैं जो दर्शकों के बिहाफ पे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आशिकी के बाद आपने 50 फिल्में साइन कर ली थी और आपके भाई साहब ने फायदा उठा के 25 तो उन्होंने कर दी बीच में, ये अफवाह है कि सही है? ये अफवाहें, 49 फिल्में थी। वाह। और दीपक भी जानता है, और उस टाइम पे एक कानून बनाया था। अच्छा जी। क्योंकि गोविंदा और मैं तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि इतने आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट इतनी फिल्में 12 फिल्में से ज्यादा नहीं कर सकता एक साथ, एक साल में के एक साथ। तो हम तो ऑलरेडी वो सारे लकीरें तो पार कर चुके थे। अच्छा। बट ताकि बाकी आर्टिस्ट उतना ना करें, क्योंकि सबकी डेटें यहाँ वहाँ जाती थी, तो बट उन 49 में से 25 या 26 के मैंने साइनिंग वापस दे दिए थे, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। कैसी स्टारडम देखी होगी सर, वाह कमाल है। बट राहुल तुमने जिन फिल्मों की साइनिंग वापस की उनमें से कुछ हिट हो गई, कभी रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने गलत फिल्म को मना कर दिया, ऐसी कई फिल्में होंगी? एक फिल्म आई थी मेरे पास, हाँ। यश चोपड़ा जी के साथ मेरी बात हुई थी, दैट कॉल्ड मी हनी जी हैड रिटन, जो फिल्म लेटर ऑन बनी थी डर। डर? अरे वाह क्या बात है। और राहुल का जो किरदार था जो शाहरुख जी ने किया जी, दैट वाज रिटन विद मी इन माइंड। क्या बात है, गॉश। तो वो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया वो फिल्म, बट यू लर्न टू लिव विद इट, ऐसा है। बिल्कुल सर, लाइफ यही है। अनु जी एक अफवाह ये है कि कोर्ट के अंदर राहुल राय आपको अपनी रेडियम वाली घड़ी दिखा रहे थे। कोर्ट के अंदर वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिट इनटू द कोर्ट, यू नो, कि कहीं सर बाहर ना रह जाए, कोर्ट ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे, अच्छा ऐसे कितनी देर खड़ा होना है अपने को, क्या करने का अपने को, व्हाट इज भट्ट साहब एक्सपेक्टिंग कि हम करें कोर्ट के नीचे। दीपक सर एक अफवाह ये है कि आपके पड़ोसी बैंक में लॉकर नहीं लेते। आपके पास अपने गहने रख जाते हैं क्योंकि आपके पास तिजोरी है। अरे ये तो अफवाह होगी। राहुल सर एक अफवाह ये है कि जुनून फिल्म के बाद आप 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। मैं तो आज भी 12 बजे से पहले पहुंच जाता हूं। क्योंकि आपको लगता था कि मेरा शेर जाग रहा है।
मेरा शेर तो हमेशा जागा रहता है, सिर्फ सुला के रखता हूँ, 12 बजे के बाद छोड़ देता हूँ। अनु, एक अफवाह ये आपके बारे में कि आज भी अगर आपके सामने से कोई कोट लेके निकलता है तो आप डर जाती हैं कि ये किस करके ना भाग जाए। कोई कोट लेके निकलता है मेरे सामने तो मुझे एकदम से ये लगने लगता है कि अब ये मुझे आके अपना कोट मेरे सर पे रख देगा। ऐसा फील होता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है। ओके, तो ये और कई लोगों ने मुझे कोट्स दिए हैं आके आशिकी के बाद। अच्छा, लड़के मुझे देखते थे आके अपना कोट मेरे कंधे पे रख देते थे, क्योंकि एक सीन था कि राहुल आके मेरे कंधे पे कोट रख देता है। बड़ी फिल्मों में कॉपी किया। बड़ी जैकेट रख दी एक लड़के ने। अच्छा, लंदन में। तो मैंने वो जैकेट पहनी, बहुत बड़े उसके शोल्डर्स थे। अच्छा, तो मैंने पहनी कुछ दिन वो जैकेट। अर्चना जी को दे देती। मुझे टाइट होती वो। नेक्स्ट टाइम। दीपक सर, एक अफवाह और भी कि आप इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। सर ये गूगल में देखा मैंने भी, हाँ आपके बारे में लिखा है। बिकॉज ऑफ माय सरनेम। सरनेम की वजह से नहीं, जेन्युइनली लिखा हुआ था। और मैंने मेरे को ना जाने कहाँ कहाँ तिजोरियां हैं, छोड़ दो हाँ। इतना टाइम तो निकल जाता पैसे गिनते में, कहाँ देखेंगे गूगल वूगल वगैरह। अच्छा, ये पहली फिल्म है सर कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप सुपरस्टार बन गए थे एक्चुअली। क्या कमाल की बात है। और कुमार शानू साहब इस फिल्म के गानों से रातों रात वो भी सुपरस्टार बन गए। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको लगता है कि वो शानुदा की आवाज में या उनके स्टाइल में गाना गा सकते हैं? जी पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया। इतने दुखी क्यों? पहले तो ये तो बताइए, बताओ आप। सर है? दुखी नहीं है। तो क्या हो सर? जो स्वभाव है उसको थोड़ी बदल सकते हैं। एक तो खड़े बच्चन साहब की तरह मैं ऐसे दुखी नहीं। क्यों आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? नहाए नहीं आज? नहाए फिर गुस्से में, सारी दुनिया हंस रही है। सर गुस्से में नहीं है। पर्स गिर गया आपका कहीं? कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, और क्या नाम है आपका? हरिओम शुक्ल। तो आप यूपी से खुद आए क्या? आपको निकाला गया है? नहीं नहीं, मतलब स्वयं आए। स्वयं आए? स्वयं आए जी। वाह, तो प्रभु अब बताइए क्या आप। तो हरिओम शुक्ल जी, क्या क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी आशिकी के गाने। ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। हेलो। हाय राहुल सर। हाय तिजोरी सर। हेलो हेलो। हाय मैम। हाय अर्चना मैम। हेलो। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू। पूरा प्रोफेशनल। आपको जाना है फटाफट हेलो करके कहीं। सर क्या नाम है आपका? अजीत अनोखा सर। अजीत अनोखा, वाह। कहाँ से हैं अनोखा साहब? मैं बिहार सिवान जिला से। जी तो क्या कहना चाहेंगे आप अनोखा साहब? मैं एज ए सिंगर हूँ सर। अच्छा, भोजपुरी सिंगर। अच्छा जी। यस, मेरा ये 120 प्लस एल्बम है सर। 120 एल्बम? यस। क्या बात कर रहे हैं? वाह सर, वाह क्या बात है अनोखा साहब, क्या बात है। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो आपके पीछे जो मैडम बैठी ना हरे हरे ड्रेस में, मैम आप इतना एंजॉय करके नाच रही थी, मतलब ओए हाय, आपका फेवरेट लगता है आशिकी का ये गाना है ना। माइक दे दो मैडम को। हाँ जी मैम, हरी मिर्ची जी कैसे? मुझे मालूम था आप हरी मिर्ची बोलोगे मुझे। आप क्या बात है, आप अंतर्यामी हैं आप। पर आप इतना एंजॉय कर रही थी ना, मैंने देखा, अकेली आप ही कर रही थी बस। मैं इसीलिए आई हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड भी करती साथ में, वो दूर बैठा दी इन लोगों ने। वो कहाँ है आपकी फ्रेंड? कैसे हो आप? दूर क्यों बिठा दिया फ्रेंड को? मैं लोगों ने बिठा दिया है। सही, बड़े पापी लोग हैं ये। इनको मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आई हूँ, पहले भरतपुर से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से बॉम्बे आई। तो आप अकेले आई अपनी फ्रेंड के साथ? हस्बैंड नहीं आए? मैं साथ आई हूँ, मेरा बेटा यहीं पे इनकम टैक्स में है, मैं आती रहती हूँ, मैं फिर भी मिलने आऊंगी आपसे। हम नहीं डरते, हम पूरा टैक्स देते हैं। तो आपके हस्बैंड नहीं आए साथ में? वो घर में ही है, वो नहीं आए। बेटा भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। मैं अपनी फ्रेंडों को लेके आ गई। अच्छा, मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश होती है। हाय बोलो। हेलो जी। तीनों आपकी फ्रेंड है? हाँ तीनों मेरी फ्रेंड है। अच्छा जी, वही भरतपुर से आई साथ नहीं, में? नहीं, नहीं से बॉम्बे से ही आई है। मतलब बॉम्बे से बनी है कि इधर ही आके बनाई? नहीं, मैं पहले न्याई पे थी, बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी। हाँ वो तो लग ही रहा है, काफी पुराने आप। बहुत। अच्छा, जब ये आशिकी फिल्म आई थी तब आप ये गाने वाने गाती थी उस समय? आप क्या कर रही थी उस समय? शादी हो चुकी थी आपकी उस समय? हाँ। अच्छा, शादी हो गई मेरी।
अच्छा फिर तो मेरा बेटा भी था तब. अच्छा अच्छा फिर तो नहीं गाने गाए होंगे ये वाले आप. तो आपकी शादी जब नहीं हुई थी तब आप कौन से गाने गाती थी आप? जब कोई गाना ही नहीं आता था मुझे. अच्छा तो आपकी लव मैरिज हुई क्या? अरेंज मैरिज हुई थी? कहाँ लव मैरिज होनी है वहाँ. कितने साल हो गए आपकी शादी को? 37. तो उस समय लव मैरिज होती थी वैसे तो? कम होती थी पर होती थी. हाँ. हमारी अरेंज मैरिज हो गई वही बहुत है. आपने अपने मियाँ जी को देखा था शादी से पहले? थोड़ा सा देखा था. नहीं देखा. थोड़ा सा मतलब कैसे? ऐसे ही देखा था शर्माते हुए. फिर पापा को बोला नहीं करनी है. फिर भी पापा बोले नहीं कर लो बढ़िया नौकरी है. अच्छा नौकरी बढ़िया है ठीक रहेगा कर लो. तो उसके बाद सीधा फिर शादी वाले दिन ही मिले होंगे ना? हाँ फिर सीधे. तो बात क्या हुई थी पहली आपकी? अब नहीं बताऊंगी. नहीं नहीं. अब नहीं बताऊंगी. आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? सत श्री अकाल सर. सर मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ. अच्छा जी. नाम जगदीप सिंह भाटिया है. भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका. मेरे साथ मेरा बेटा है 25 साल का है. अच्छा जी. एक स्पेशल चाइल्ड है. हेलो. हेलो हाउ आर यू? फाइन. गुड. लव यू कपिल भैया. लव यू टू बेटा. ओके. मजा आ रहा है आपको शो में? बहुत आ रहा है. और ये जो पीछे भैया ने गाना गाया था ठीक गाया था कि नहीं? नहीं नहीं वो बहुत अच्छा गाते हैं. अच्छा बहुत अच्छा. अच्छा थैंक यू. क्या नाम है आपका? रमनीक सिंह. रमनीक सिंह बड़े प्यारे हो आप. आपका नाम भी बड़ा प्यारा है. थैंक यू रमनीक शो में आने के लिए. सर ये स्पेशल स्कूल में जाते हैं बच्चे. अच्छा जी. इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. ओके. वहाँ के बच्चों ने आपके लिए ये कार्ड बना के भेजा. स्वीट. थैंक यू सो मच. लव यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. ऐसे कैसे 1500 रुपए बना? अरे तूने ये मैडम. अरे आप अरे पूरा पैसा दे क्या इतनी दूर से आपको? तो मैं अकेले थोड़ी बैठ के आई हूँ. तू भी तो बैठ के आया. और हाँ यार 1500 रुपए मांग रहा मेरे को. मेरे बेटे का शो है. वो ये कौन है? विराट कोहली सेल्फी ले ले बड़ा बड़ा. पता नहीं पुत्र ऑटो वाली भर्ती पे आई हुई है. ऑटो वाला है. अरे देखिए मैडम ये सब छोड़िए. पहले हमारा ऑटो का भाड़ा दे दीजिए. पूरे 1500 रुपए हुआ है. 1500 रुपए? हाँ. 2000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ हो जाएगा. पर निकल फटाफट. है? अरे अर्चना छीन लेती है. मैं सच्ची कह रही हूँ. एक लड़का था ना उसके पास 5000 रुपए थे. इस बंदी ने ना पैसे समेत लड़का भी छीन लिया. और उसको आजकल परमीत कहते हैं. देखा ऐसे बड़े किस्से हैं मेरे पास. बुआ इधर बैठ जरा. 1500 रुपए भाड़ा. तू जहाज से आई? वो तो जहाज में तो मैं फ्री आती हूँ. जहाज में फ्री कैसे मतलब? है कुछ पुत ऐसे पायलट जिनको तेरी बुआ ने उड़ना सिखाया था. आ कहाँ से रही है बुआ? पुत मैं ना घर बैठे बैठे बोर हो रही थी. हाँ. मैंने सोचा बम्बे आई हूँ. हाँ. तो स्टारों को मिल लूं. अए होए 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 होए. जैकेट के नीचे छुप छुप के आशिकी करने वाले आए. हेलो राहुल जी कैसे हो आप? बस बिल्कुल बढ़िया. 1500 रुपए है आपके पास? ओए बुआ तेरे को शर्म नहीं आती? मेहमान आए उनसे पैसे ले रही है तू? 1500 तो नहीं है बट तू भी जैकेट के नीचे आ गया. वैसे राहुल जी मतलब बड़े अच्छे लग रहे हो. क्या फिल्म थी यार. अर्चना बहन जी इतने बाल होते थे. ओहो पीछे से तो रीना राय फेल कर दी इन्होंने. और आगे से परवीन बॉबी. सेम कटता ना. ओए ओए. लेकिन आज भी आंखों में वही गहराई. आंखों की पुतलियों के ऊपर वही पलकों का लहराना है. ठुड्डी के नीचे वही लंबी सुराईदार गर्दन. कंट्रोल 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 कंट्रोल. क्या बोल रही थी? वो तो मैं कैसे कंट्रोल करूं. मैंने तो रात को इनको शेर बनते भी देखा है. वाह
क्या पुआ जुनून पिक्चर में रात को शेर बनते थे, ऐसे कह के पुआ को भी तू शर्म बना देता है। हाय क्या क्यूट शेर बनते थे अर्चना जी, ओए होए समझ नहीं आती थी कि शिकार करूं या हो जाऊं। आज की फिल्म आई, ओहो हो इतनी लड़कियों की कुंडली में केतु नहीं बैठता था जितना दिल में राहु बैठ गया था। और वो जैकेट वाला पोज, आय हाय हाय हाय, वो जैकेट वाला पोज इतना हिट हो गया था कि कप्पू मैंने तेरे फुफा के साथ भी किया था। अच्छा, बारिश में ऐसे? हाँ पुत, बारिश में। फिर क्या पुत, मैंने ब्रश नहीं किया था, तेरे फुफा ने ताजा ताजा प्याज खाया था। पहली बार लेदर जैकेट की चीखें निकली है। हेलो अन्नू जी। हेलो, कैसी हो? अरे यार, हम जैकेट के नीचे तो नहीं पर मिलेंगे वैसे। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। यार आप बड़ी फिट हो, मैंने सुना कि योगा शोगा कर रही हो। हाँ। यार पेंजी मुझे भी वो योगा का एक आसन अलोम विलोम वो सिखा दो। तो सीखना क्या इसमें? एक एक नाक से सांस अंदर खींचो, दूसरी से बाहर छोड़ो। तो यही तो मुश्किल है, नाक से सांस ले लेती हूँ लेकिन छूट कहीं और से जाती है। लेकिन अन्नू जी जब आज की फिल्म आई थी ना, ओए ओए मोहल्ले के लड़के मेरे को अन्नू अन्नू कह के छेड़ते थे। चल झूठी कहेगी, आशिकी को 30 साल हो गए, कोई ढंग की बात कर उनके सामने। आशिकी फिल्म को 30 साल हो गए, यानी कि मेरी बायोपिक बने 30 साल हो गए। तेरी कौन सी बायोपिक मतलब? मैं बता देती हूँ तेरे को, पता नहीं किसी को भी नहीं पता, मुझे आज भी याद है वो दिन जब भट्ट साहब दिल्ली आए थे। ओहो राहुल जी, सड़क के किनारे हम दोनों खड़े थे, मैं और भट्ट साहब ऐसे कर रहे थे, ऊपर से तेज बारिश आ गई, ओए होए होए होए, उन्होंने अपनी लेदर जैकेट खोली, मुझे मैं जैकेट में ऐसे करके ले लिया और ऐसे करते करते मुझे पूछा, कहते कम्मो क्या तेरी लाइफ के ऊपर मैं फिल्म बना सकता हूँ आज की? मैंने भी कह दिया फिर कबूल है कबूल है कबूल है। भले ही आ गया था। तो मतलब अनु मैम ने तुम्हारा रोल किया? नहीं नहीं, अनु ने थोड़ी, दीपक तिजोरी ने। यार क्या कमाल की एक्टिंग की इस बंदे ने, क्या कमाल का रोल किया, आज तक नहीं किसी को पता लगने दिया कि इन्होंने लड़की का रोल किया था। हुआ वो तेरा कैरेक्टर क्यों करेंगे? तो वही कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से मेरे को तिजोरी साहब जानते हैं उतना अच्छे से मैं भी अपने आप को नहीं जानती। सच्ची कहती हूँ, दो जिस्म एक तिजोरी हुआ करते थे हम। हुआ तुम दीपक तिजोरी इनको भी जानती हो? पुत्र मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये तिजोरी पिगी बैंक हुआ करता था। सच्ची कह रही हूँ, 4 सिक्के डाल देती थी, इतना खनकते थे ना कि पूरा मोहल्ला उठा देते थे। आज देखो लाखों करोड़ों आ रहे शांत बैठे हुए। बुआ क्या क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही पुत्र, क्या बोलूं, हाय दिल की गहराइयों में बस चुके हैं, चोर चोरी भूल सकता लेकिन कमो तिजोरी नहीं। बुआ वो शादीशुदा है, ऐसे मत बोल। तो क्या हुआ शादीशुदा है, भले ही इस तिजोरी को किसी ने अपना ताला लगा दिया हो, हाय हाय, लेकिन आज भी चोर चाबी कमो बुआ के पास ही है। सोनी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारे मेहमानों को तंग कर रही है, मेरी बुआ समझ के कोई लिहाज ना करें, आप एक्शन ले सकते हैं इनके मुंह पे। रहन दो, इन्होंने कोई नहीं एक्शन लेना, सोनी साहब ने अगर 30 साल पहले एक्शन लिया होता ना तो आज फर्स्ट रो पे हमारे छोटे छोटे सेट मैक्स बैठे होते। चल मैं जाती हूँ, वैसे आज पूर्णमासी और फुल मून है और शेर बनने का टाइम इनका हो रहा है। इससे पहले ये 80 किलो गोश्त खा जाए मैं निकलती हूँ, लेकिन तिजोरी जी मिलके जाना, आलू बनाए हो आज पता ना आपको। आती हूँ मिलने, बाय बाय, आना जरूर। सर इतना मजा आ रहा ना, एक्चुअली टाइम की लिमिट ना हो तो अभी बातें दिल करता है कि आप लोगों के साथ करते जाएं। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनु जी जो है वो एक बहुत अच्छी बाकमाल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान भी हैं। इन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया है, मैं चाहूंगा कि मैम उसके बारे में भी आप कुछ बताएं कि सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है आपका एनजीओ जो है। अनु अग्रवाल फाउंडेशन बनाई जो मैंने, उसका 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि मैं खुद बहुत बीमारी से गुजरी, मैं तो मतलब मृत्यु से निकल के बाहर आई हूँ,
और मैंने अपने को हील किया. डॉक्टर्स मुझे कहते हैं मेरिकल केस. मेरी जो हालत थी पहले तो मैं कोमा में जब थी तो वो सोच रहे थे कि ये उठेगी नहीं. और जब मैं कोमा से उठी 29 दिन बाद तो उन्होंने कहा मेरिकल हो गया. जब मैं ठीक हो रही थी तो मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू करी अपनी लाइफ के बारे में. मुझे ये था क्यों मैंने लिखनी शुरू करी, क्या रीज़न था. मुझे सिर्फ ये था कि जिस तरीके से मैं इतनी कठिनाइयों से, क्योंकि हर जना कठिनाइयों से गुजरता है और कई दफ़ा आदमी जो है अपना होप खो देता है, मेरा यही था कि मैं कैसे लोगों को प्रेरित करूं. तो ये बुक मेरी और मैंने अपने खुल के अपने जीवन के बारे में बताया है. मैंने ये सोचा कि मैं सच्ची तरीके से कन्फेशनल तरीके से लिखूंगी. तो मैंने उस तरीके से अपनी पुस्तक लिखी. उसका नाम था अनयूजुअल और वो 2015 में हार्पर कॉलिंस ने रिलीज़ करी थी. और उसको देखते हुए अब 2019 में वो मराठी में ट्रांसलेट होके रिलीज़ हुई है और उसका नाम है अनूप, ANUP, अनूप. तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब पढ़ें. जब मैं हील हो रही थी तो मैंने एक बच्चों को देखा, कहीं स्लम के बच्चों को, उनकी कोई क्लास चल रही थी और वो बच्चे इतने सैड लग रहे थे. बच्चे, मैं यही चाहती थी कि किस तरीके से बच्चों के अंदर हंसी लाई जाए, कैसे मैं उनके अंदर खुशी ला सकती हूँ, अंदरूनी खुशी, जो कि योगिक पॉस्चर्स कुछ हैं, डीप योगिक पॉस्चर्स और मेडिटेशन है. तो उसके लिए मैंने फिर प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया और मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसे चलेगा. एक महीने के अंदर सारे बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे एक दूसरे, मतलब सब लोग ठीक हो गए, उनका पॉस्चर ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया. फिर मैंने आगे उसको बढ़ाना शुरू किया जी. तो फिर उसके बाद मैंने वो और स्लम के बच्चों के साथ, अच्छे स्कूल्स, टॉप स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ, और अब जो है वो फाउंडेशन चल रही है. करीबन 15,000 से थोड़े से ऊपर बच्चों के साथ काम किया है हमने. वाओ. और आगे हम अब हमारा ये पिछले अगले दो सालों में 2022 तक हम लोग चाहते हैं कि हमारे कम से कम 1,00,000 बच्चे हो जाएं. बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं मैम आप. थैंक यू सो मच मैम. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अनु मैम के लिए, दीपक सर के लिए, राहुल सर के लिए. आइए सर.